इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार की धूम, गवर्नर तमिलिसाई और एमएलसी के कविता ने तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा बदकम्मा तकरीब में की शिरकत। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में की केसीआर हुकूमत की सताइश, कहा रियासत बंगारू तेलंगाना की सिमत गामजद, सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा तामीर का जाहिर किया यकीन। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाने मुमकिन इकदाम का सीएम केसीआर ने किया ऐलान, कहा एक मीटिंग तलब करते हुए कट ऑफ डेट दी जाएगी। तेलंगाना असेंबली में सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराने शहर में बिजली की कटौती का मसला उठाया, मसाइल की फौरी यकसुई का हुकूमत से किया मुतालबा। जाफर हुसैन मेराज ने रियासत की सरकारी जबान उर्दू के साथ इंसाफ, उर्दू मुंशी मौलवी और उर्दू मुंशी कामिल कोर्स को एसएससी और इंटरमीडिएट लेवल के बराबर तस्लीम करने का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई गैर मुहैयाना मुद्दत के लिए मुलतवी, मॉनसून सेशन में 7 बिल्स और 1 करारदाद की गई मंजूर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और एमएलसी के कविता ने शहर की तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा बदकम्मा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किशन राव, मुलाजमीन और स्टूडेंट्स ने उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर तमिलिसाई और एमएलसी कविता ने यूनिवर्सिटी के अमले के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में बदकम्मा खेल में हिस्सा लिया। इस मौके पर गवर्नर तमिलिसाई और एमएलसी कविता ने सभी को बदकम्मा की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश करते हुए कहा कि रियासत आज बंगारू तेलंगाना की तरफ गामजद है। साथ ही उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आला केसीआर सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा तामीर जरूर करवाएंगे। उर्दू के ताल्लुक से भी है, मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि मुझे यकीन है केटीआर साहब ने कहा, महमूद अली साहब ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा, मुझे यकीन है। लेकिन बाज शरपसंद अनासर अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए वरगला रहे हैं और कह रहे हैं, तो मैं साइवान में खड़े होकर कह रहा हूं कि फिक्र ना करें, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, दोनों मसाजिदें जरूर बन जाएंगी और पहले से ज्यादा बड़ी बनेगी, खूबसूरत बनेगी, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चीफ मिनिस्टर साहब से कि तेलंगाना तेजी से दौड़ रहा है, मैं कहूंगा कि खुशहाली की तरफ दौड़ रहा है, बंगारू तेलंगाना की तरफ, और आपके इस मिशन में हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहा है, रहेगा और हर वक्त रहेगा। लड़ेंगे जरूर मसाइल के लिए, आपसे मांगेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारा हक है, हम लड़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मुबारकबाद देता हूं तेलंगाना की खुशहाली के लिए, उम्मीद करता हूं कि ये तरक्की जारी रहेगी और मुसलमानों को उनका बराबर का हक मिलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से जायदादों, खासकर हैदराबाद में मकानों के नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाने की सहूलत फराहम करने के मुतालबे पर सीएम केसीआर ने ऐलान किया कि गरीबों की सहूलत के लिए जल्दी ही एक मीटिंग तलब करते हुए मुमकिन इकदाम किए जाएंगे और एक कट ऑफ डेट दी जाएगी। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से ऐवान में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आनजहानी राजशेखर रेड्डी की तारीफ किए जाने पर सीएम केसीआर ने राजशेखर रेड्डी के दौर में तेलंगाना को हुए नुकसान पर रोशनी डाली। మాట అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, సరే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కొంత చేసి ఉండొచ్చు, కానీ రాజశేఖర్ రెడ్డికి టైం పే హి కాఫీ నుక్సాన్ హువా హమారా తెలంగాణ మిల్కియత్ కా, మే యాద్ దిలానా చాహుంగా,
मैं स्पीकर साहब का परमिशन भी लिया उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि आपने परसों जहां कहा था मैं नहीं था, लेकिन मेरे पास पूरे रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, आपने क्या क्या मुतालबे किया था, क्या क्या मांगा था, क्या क्या डिमांड किया था, उसमें मैंने देखा था। मैं मेरा गुजारिश इतना ही है, वो आपका मर्जी है, जिसका चाहे आप तारीफ कर सकते हैं, आपका हक में, लेकिन ये बताना ज़रूर चाहूँगा उसी के ज़माने में एक जीवो निकाला गया, उसी के तहत हजरत हुसैनी शाहवाली का दरगाह का जमीन लांगकोल्स को दिया गया, ये सच है। बियावानी का दरगाह चेवेल्ला में उसी के ज़माने में बिकने के लिए रखे, हम जाके लड़े वहाँ पे, हमारे महमूद भाई के साथ जाके सवों मुसलमान जाके वहाँ पे लड़े हम लोग, उसको रोक दिए। यहाँ तक के गुट्टला बेगमपेट के मस्जिद का जमीन 70 एकड़ जमीन भी कब्जा करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे उसी ज़माने में, उनके आशीर्वाद से हम गए वहाँ पे, 400-500 लोग हम गए, हमारे महमूद भाई हमारे साथ थे एजिटेशन के दौरान, हम जाके लड़े वहाँ पे, उसको रोके, हमारे मिल्कियत आज महफूज है। इसलिए मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूँगा, जिस इंसान ने तेलंगाना का हर चीज़ में हमारे साथ नाइंसाफी किया, काफ़ी पानी के मसले में, फंड्स के मसले में, हर चीज़ के मसले में, उनका अगर तेलंगाना हैवान में तारीफ होता है तो थोड़ा हमें ताजुब होता है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा से रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज असेंबली में बात करते हुए हैदराबाद के पुराने शहर बिलखसूस याकूतपुरा में दरपेश बिजली की कटौती के मसाइल की यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया, जिस पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत की जानिब से जवाब देते हुए कहा कि वजीर बिजली को मसाइल की यकसुई के लिए वाकिफ करवाया जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं जो मसले को आपके साहब के ज़रिए पेश करना चाहता हूँ हुकूमत के पास, वो महकमे बर्फी का मसला है। तकरीबन 2011 से खुसूसन साउथ जोन में और याकूतपुरे में रोज़ाना 4-4, 6-6 घंटे लाइट बंद हो जाती। इससे पहले के सेशन में हमारे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवस्थी साहब ने तवज्जो दिलाई, तो मिनिस्टर साहब ने मजलिस के MLAs के साथ, सिटी के MLAs के साथ एक मीटिंग रखी थी, उसमें तमाम के तजावीज़ वसूल करे, लेकिन फिर भी अभी कोई खातिर का काम नहीं हुआ। रोज़ाना शहर में लाइट बंद होती 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, और एक बड़े पैमाने पर इसका पुराने शहर में साउथ जोन में काम करने की ज़रूरत है। सब स्टेशन मंजूर हो गया है, लेकिन उसको नसब नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे काम मंजूर होते हैं हुकूमत की तरफ से, ऑफिसरों की लापरवाही की वजह से लोगों को मुश्किल का सामना है। मेरी आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश है कि 2011 से साउथ जोन में खसूस याकूतपुरे में बिला वक्फा रोज़ाना 2-2, 3-3 घंटे लाइट बंद होती है। ये मसले की एक्सुई कीजिए। मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि ये पूरे सिटी के बरकी के अहदेदारों को तलब करके मजलिस के MLAs को बुला के इनके तजावीज़ लेके कामयाब तरीके पर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि आज रियासत आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बरकी का मसला बाकी नहीं रहा, हर तरफ बरकी पे कंट्रोल हो चुका है, लेकिन साउथ जोन में 2011 से लेकर अब तक जो हालत है बहुत बदतरीन हालत है। हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो दे और महकमे बरकी के कामों को बेहतरी पैदा करके बरकी को सरबराह करे। शुक्रिया स्पीकर साहब। मौजूद रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी साहब जो बोले हैं नोट कर लिया गया अध्यक्ष, ज़रूर उस पर डिसीजन लिया जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा था। अध्यक्ष मिनिस्टर साहब को बता दें। मजलिस पार्टी से नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज असम्बली में रियासत की सरकारी जबान उर्दू के साथ मुकम्मल इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने उर्दू मुंशी मौलवी और उर्दू मुंशी कामिल कोर्सेज को SSC और इंटरमीडिएट लेवल के बराबर तस्लीम करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उर्दू तदरीसी में जुमला 900 पोस्टें हैं जिसमें से सिर्फ 365 पोस्टों पर ही भर्ती हुई है। उन्होंने बाकी 535 पोस्टों पर जल्द तकरीरात की मांग की, जिस पर रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि जाफर हुसैन मेराज की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को नोट कर लिया गया है। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इसी हाउस के अंदर ठहर कर कहा था कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाने के लिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाया, जिस पे शुक्रिया भी अदा किया गया। मगर हम चाहते हैं कि उर्दू के साथ पूरा मुकम्मल इंसाफ हो सर। जैसा हमारे मुगलपुरे में एक मदरसा है जमेतुल मोमिनात, एक यूनिक वुमेंस मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है सर, उसके अंदर 2 डिग्री होते हैं सर। जैसा उर्दू मुंशी
मौलवी कोर्स है सर, वो इक्वलेंट टू एसएससी होता सर। उसी तरह उर्दू मुंशी कामिल कोर्स है सर, वो इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट होता। प्रोविजन आर्टिकल 29-30 के तहत सर ये जो कोर्स है सर, ये कोर्स को हम अगर फर्ज करिए एसएससी और इंटरमीडिएट को कंसीडर कर देते हैं तो बेहतरीन रहेगा सर, हमारे बच्चे भी पढ़ के उसको निकल सकते। और एक अहम बात यह है सर, उर्दू टीचर्स का जो टीआरटी पोस्ट था सर, उसको 2017 में नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 52 एंड 53 ऑफ 2017, जिसमें 900 पोस्ट है सर। अभी तक के 365 पोस्ट फिल हो गए सर और 535 पोस्ट अभी बाकी है सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिसमें एसजीटी उर्दू जो थे वो नोटिफाइड हुए 636 और फिल्ड हुए सर 301 और बच गए 335। उसी तरह लैंग्वेज पंडित उर्दू सब 26 थे, 9 फील्ड हुए, 17 बच गए सर। एसए उर्दू के 28 थे, 12 फील्ड हुए सर, 16 बच गए सर। एसए मैथमेटिक उर्दू के 38 थे, 6 हुए सर, 32 बच गए सर। एसए सोशल उर्दू के 43 थे, 18 फील्ड हुए सर, 25 बच गए सर। एसए बायोलॉजिकल साइंस के उर्दू के 34 थे सर, 10 हुए, 24 बच गए सर। एसए फिजिकल साइंस उर्दू के 53 थे सर, 5 फील्ड हुए, 48 बच गए सर। उसी तरह पीटी उर्दू के 42 थे, 4 फील्ड हुए, 38 बच गए सर। ऐसा 535 है सर, इमीडिएट अगर वो पोस्ट को फिल कर देंगे सर तो हम समझेंगे उर्दू के साथ इंसाफ हुआ है सर। 2017 से आज 2021 में आ गए सर, मेहरबानी करके ये पोस्ट को इमीडिएट फिल कर दीजिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव शास्त्र सभ्य जाफर हुसैन गारु नोट चेसुकोवडं जरिगिंदि। खुजबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद ने असेंबली में रियासत में ममनुआशिया गांजे के बढ़ते कारोबार पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने असेंबली में इस मसले पर रोशनी डालते हुए गांजे के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानून की मांग की और ऐसे अफराद को पीडी एक्ट के तहत केसेस बुक करने हुकूमत से मुतालबा किया। अध्यक्ष होम मिनिस्टर गारिकि संबंधिंचिनटुवंटि सब्जेक्ट अध्यक्ष ఈ గంజాయి చూసిన అధ్యక్ష గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మరి విచ్చలవిడిగా మరి మార్కెట్లో అమ్మడం దొరకడం, అధ్యక్ష మనం రీసెంట్గా కాబూల్ నుండి గుజరాత్ మీదుగా మన రాష్ట్రానికి రావడం, అదేవిధంగా పక్క రాష్ట్రం నుంచి కూడా విశాఖపట్నంలో పండించినటువంటి ఈ యొక్క గంజాయి మన రాష్ట్రం హైదరాబాద్కి పైనుండి సరఫరా కావడం, అధ్యక్ష ఇది ఒక అంతర్జాతీయంగా కూడా మరి అనేక నగరాల్లో అనేక గ్రామాల్లో పండించినటువంటి ఒక గంజాయి ఇక్కడ మన నగరానికి రావడం చూస్తూ ఉంటే అధ్యక్ష చాలా భయాందోళనకు గురి కలిగిస్తుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఈ యొక్క గంజాయి పండించిన వారు కానీ అంటే అధ్యక్ష గంజాయి సరఫరా చేసిన వారి పైన అధ్యక్ష గంజాయి అమ్మిన వారి పైన ఏ రకంగానైతే నకిలీ విత్తనాలు అమ్మే వారి పైన కఠినంగా పీడీ యాక్ట్ చేస్తా ఉన్నామో, కొత్త చట్టం తీసుకురావాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ గంజాయి యొక్క దానిపైన పడి పిల్లలు యువకులు యువత మన అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడతారు అధ్యక్ష. ఈ యొక్క గంజాయి పైన ఎవరైతే అమ్మినా పండించినా సరఫరా చేసినా వారిపైన పీడీ చట్టం అమలు చేసే విధంగా కొత్త చట్టం తీసుకురావాలని చెప్పి మీ ద్వారా గౌరవ హోంమంత్రి గారికి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు, గౌరవ సభ్యులు వివేక్ గారు చెప్పిన నోట్ చేశారు అధ్యక్ష, తప్పకుండా డిసిషన్ తీసుకోండి. तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। 24 सितंबर से शुरू होने वाले ये असेंबली सेशन 7 दिन तक जारी रहा। इस दौरान 37 घंटे और 5 मिनट तक ऐवान की कार्रवाई चलाई गई, जिसमें 41 अरकान ने ऐवान से खिताब किया। तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन में 7 बिल्स और एक करारदाद मंजूर की गई। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्रीज मेड बाय द मेंबर्स 76, number of speeches made by the members 41, number of government resolutions adopted 1, number of bills introduced 7, number of bills passed 7, number of short discussion discussed 6. Now with the consent of the house I adjourn the house senate. तेलंगाना कानून साज असेंबली की लॉबी में साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर लगाई गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन भूपाला रेड्डी के साथ तस्वीर की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वुजरा अरकान असेंबली व काउंसिल के साथ साथ टीआरएस रुकन काउंसिल और पीवी नरसिम्हा राव की बेटी सुरभि वानी देवी और उनके अफराद खानदान भी मौजूद थे।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने वज़ीर-आला केसीआर पर असेंबली में खुलेआम झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर को इसके लिए गिनीज बुक में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि साल 2014 में 15 अगस्त को कौमी परचम लहराने के दौरान दलितों को 3 एकड़ ज़मीन देने का वादा करने वाले सीएम केसीआर ने अब कह दिया है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। हनुमंत राव ने कहा कि अब हुजूराबाद इलेक्शन हो जाने के बाद दलितों को 10 लाख रुपए देने के ऐलान से भी केसीआर मुकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवाम भी अब केसीआर के झूठ से वाकिफ हो गई है। 2014 15 अगस्त गोलकोंड मोट्टमोदटिसारी जेंडा एक्किंचेटप्पुडु 2015 రెండెకరాలు ఒక ఎకరం ఉన్న వాళ్ళకు 2 ఎకరాలు ఇస్తా, 2 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకు 1 ఎకరం ఇస్తా, ఎంత ఖర్చైనా కానీ ఇస్తా, నీళ్ళు ఇస్తా, దానికి కావలసినట్టు డబ్బు ఇస్తా అన్నాడు. నిన్న సభలో నేను ఎప్పుడన్నా 3 ఎకరాలు నేను అనలేదే. అసలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విధంగా నువ్వు ఏమనాలే అయ్యా, నేను అన్నది నిజమే, పరిస్థితులు బాగలేవు, ఇవాళ ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగింది అని అది చెప్పొచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నాకు సహాయం చేస్తలేదని చెప్పొచ్చు, కానీ ఇంత అబద్ధం చెప్తావు రే బాబు నువ్వు. నేను అనలే లేదంటాడే మా బాబు, ఇది ఎక్కడ పంచాయతీ నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మా భయం ఏంటంటే హుజూరాబాద్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నది, 17 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయన్నావు. तेलंगाना के हुजूराबाद हलके असेंबली में ज़िमनी इंतखाब के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने के आखिरी रोज़ सियासी हलचल देखी गई। आज जुमे का दिन अच्छा होने की वजह से टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ज़िमनी इंतखाब के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया, जिसको देखते हुए पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया था। टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रियासती वजीर ख़जाना हरीश राव और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के उम्मीदवार ने कहा कि अवाम केसीआर की फलाही स्कीमात और दीगर तरक्की याफ्ता इकदामात से मुतमईन हैं। उन्होंने हुजूराबाद की अवाम से उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। మరి ఈటల రాజేందర్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, నాకు 200 ఎకరాల భూమి ఉన్నది, ఇక్కడ అమ్ముకోనైనా నేను ఎన్నికల గెలుస్తా చెప్పిన అహంకారం ఉన్నదని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ వాళ్ళ సగీమని చెప్పిందని చెప్పి ఈటల రాజేందర్ గారే చెప్తా ఉన్నారు, ఆస్తులు మొత్తం అమ్మైనా సరే ఎన్నికల్లో మనం గెలవాలని చెప్పి, గెలవాలి, గెలువు ఆస్తులు అమ్మినా పర్వాలేదని చెప్పి ఇలా తన భార్య అండదని చెప్పి ఇవాళ ఈటల గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో పాట ఈటల రాజేందర్ గారి అహంకారానికి అదే విధంగా పేద ప్రజల సంక్షేమానికి మధ్య జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో పట ప్రజలు ఆ సంక్షేమ ఫలాలు అందుకున్న ప్రజల తరపున ఇవన్నీ నిలబడ్డ నాకు ప్రజలు నన్ను ఆశీర్వదించి నాకు అవకాశం కల్పిస్తారని చెప్పి వారు నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. రాబోయే రోజుల్లో పట హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని ఆ గెలుపును 100 కోట్లు కూడా ఆపలేవు. నాకు పేద ప్రజల అన్నదండాలు ఉన్నాయి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల అన్నదండలు ఉన్నాయి, ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశిస్తున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో పట మంచి మెజార్టీతో గెలిచి రాబోయే రోజుల్లో పట హుజూరాబాద్ ప్రజలకు సేవ చేస్తానని చెప్పి మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి సందర్భం. तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के झूठ और टीआरएस के कमिटमेंट के दरमियान मुकाबला है। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला बीजेपी की सेल पॉलिसी और टीआरएस की ट्रस्ट पॉलिसी के दरमियान है। उन्होंने सवाल किया कि सीएम केसीआर की क़ियादत में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमें बीजेपी के ज़ेर इख्तदार रियासतों में क्यों दस्तियाब नहीं हैं। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि बीजेपी किसान मुखालिफ हुकूमत है। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम जानती है टीआरएस हुकूमत आवाम के लिए क्या कर रही है। उन्होंने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के लिए तेलंगाना कांग्रेस के उम्मीदवार
बालामूरी वेंकट ने आज अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के हुजूराबाद इलेक्शन इंचार्ज दामोदर राजा नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी लीडर इटला राजेंद्र ने आज हुजूराबाद जिमनी इंतखाब के लिए अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के अलावा दीगर मौजूद थे। वाजे हो के अक्टूबर की पहली तारीख से नॉमिनेशन दाखिल करने के अमल का आगाज हुआ था, जो आज इख्तिताम को पहुंचा। कल 11 अक्टूबर को परिचय नामजदगियों की जांच की जाएगी, जबकि नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। हुजूराबाद जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 30 अक्टूबर को होगी और वोटों की गिनती 2 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन नतीजे का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम तंजीम के सदर व हाई कोर्ट एडवोकेट एम ए मुजीब ने वक्फ इमलाक में धांधलियों के मुतालिक सीएम केसीआर की जानिब से सीबीसीआईडी से तहकीकात के ऐलान का खैर मकदम किया। ताहम मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसको लेकर अपने कुछ तहफ़ुज़ात जाहिर किए और साथ ही साथ तजावीज़ भी पेश की। उन्होंने असम्बली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी की सताइश की। लेकिन गवर्नमेंट के जो वादे हैं ना, अगर उन्होंने वाकई सिंसियर है तो अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एक तजवीज़ों में अगर 50% तजवीज़ हमें मान लिए तो तेलंगाना के मुसलमानों की हालत बेहतर हो जाती। बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये करना चाहिए। मेरा मुतालिबा है, मैं मुतालिबा कर रहा हूँ हमारे बज़्म की तरफ से भी और मेरा पर्सनली भी ये मेरा मुतालिबा है कि जैसा कि हुकूमत तेलंगाना सभी लोगों के त्यौहार मना रही, क्रिसमस मना रही, दशहरा मना रही और जितने भी त्यौहार है सब लोगों के मना रहे, तो उसी तरह से ईद मिलाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका मुसलमान इसमें ईद मिलाद को बहुत ही जोश व खरोश के साथ, अकीदत के साथ मनाते हैं। तो ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे जो इस तरह के तकरीब, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसके लिए कुछ इमदाद दे दीजिए, रैली निकलती है उसके लिए कुछ इमदाद दे दीजिए, यानी तो कोई सेंट्रलाइज मरकजी को ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होना चाहिए जिसमें इन तकारीब को ईद मिलादुल नबी के ताल्लुक के जो तकारीब है उसको भी ऑफिशियली करे तो अच्छा रहेगा। खुदबुल्लापुर हलके में कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना था कि मुतवफ़ी किसान के अफराद ख़ानदान से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को इस तरह से रोकना गैर जमहूरी है। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश भी किया और मरकज़ के ख़िलाफ़ नारे लगाए। खुदबुल्लापुर के इलाके ढूंडीगल में वाक़ दरगाह हज़रत डॉक्टर नज़र महबूब शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह में सालाना उर्स तकारीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर जानशीन मंसूर अहमद शाह खादरी अलमारूफ खैसर बाबा ने उलमा मशायखीन की मौजूदगी में मरासिम संदल माली अदा किए। इस मौके पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम मजाहिब के अकीदतमंदों ने यहाँ पहुँच कर चादर गुल पेश करते हुए दुआएँ की। साल से ये उर्स होता रहता है, इधर हिंदू मुस्लिम सिख हर एक आदमी आके बाबा का दर्शन करके जाते हैं, जो भी इधर आके दर्शन करके उसका दिल का बात बहुत है वो पक्का भगवान जो है सो अल्लाह जो अपने को इजाजत देते हैं, कई हजारों आदमी इधर आके दर्शन करके जाते हैं। ये दर्शन करने कोई कैस्ट फीलिंग नहीं रहता, हिंदू रहें दो मुस्लिम रहें दो हर भाई को पूरे दर्शन करने के लिए अच्छा रहता है। और इधर का कमटी जो भी भक्त आते हैं उन लोगों को हर तरीका के सहूलत करके ये आगे बढ़ा रहे बाबा को हमारे तरफ से हम आशीर्वाद दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने वट्टेपल्ली के साकिन सैयद हसन के साथ बिला वजह जदोकोप करने वाले फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल को सस्पेंड करने का मुतालबा किया। इस जिमन में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। कॉलोनी वट्टेपल्ली के साकिन जनाब सैयद हसन साहब जो किसी काम से कल निकले थे 5 बजे फलकनुमा पीएस के बाहर के हिस्से में मोटरसाइकिल पे
बैठे थे, सर में दर्द हो रहा था, तो अचानक अंदर से एक कार निकली पुलिस स्टेशन की, चले गई। उसके पीछे एक जवान भाग के आके इनको बोला कि हमारे सर्कल साहब गए, उठ के खड़े रहना नहीं, सल्यूट नहीं मारना, ऐसा ऐसा बोल के इनके साथ बदकलामी किया। उसके बाद इनको ज़बरदस्ती नाके में ले आके बेतहाशा दरिंदगी के साथ इनको मारपीट करा, और काफ़ी तबीयत ख़राब है, इनके से चलने के काबिल नहीं है। अब सुबह से ये लोग फ़ोन कर रहे थे, असम्बली में था, दवाखाने में मेडिकल करा बोला, दवाखाने में गए तो वहाँ भी पुलिस वाले बैठे, पुलिस से लिखा के लाओ बोले, पुलिस वाले मार के कैसा लिख के देते, MLC करो बोल के। फिर दवाखाने में जाके डाइबा के स्टाफ पे कुछ बातें करा, बोला तुम लोग पुलिस से पैसे खा लेके बैठे क्या? तो जाके गड़बड़ करने के बाद वहाँ का मेडिकल स्टाफ आ रहे बोले, सुबह आगे आके पूरा मेडिकल कराए, चेकअप कराए, इनका एक्सरे लिए, स्कैनिंग लिए, पूरे टेस्ट करे, 4.5 घंटे बैठ के पूरी रिपोर्ट बना के अब DCP साउजुन को ला के कंप्लेंट दिए। भरत नाम का कोई जवान है इनको जो मारा, और इंतहा से ज़्यादा बेदर्दी के साथ मारा, चोरों को, डाकुओं को, रोडी शीटर को नहीं मारते, इतनी बेदर्दी से इनको मारा है। तब DCP साहब से मुतालबा करेंगे, इसको फौरी सस्पेंड करिए। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बदनाम ऑफिसर रहना नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करना नहीं, लेकिन फिलवक्त तो इनको फौरी सस्पेंड कीजिए और इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर FIR करिए। पुलिस के लोगों का काम है कि FIR करना, खाली सस्पेंड करने से इनकी सज़ा नहीं होती, इनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए, वरना ये लोग को भी राइट से कोर्ट से जाके ये मेडिकल रिपोर्ट पे इनके खिलाफ केस कर सकते। बहरहाल तवक्को करेंगे पुलिस बच्चे के साथ इंसाफ करेगी, और ऐसे फिरका परस्त पुलिस वाले जो यहाँ के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, जुल्म करना चाह रहे हैं आवाम के ऊपर, उनका सदेबाब होना उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सख्त इकदाम करे। शुक्रिया। नामपल्ली रेलवे स्टेशन में मुशतबा हालत में घूम रहे दो अफराद को RPF पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश से पता चला कि ये दोनों का ताल्लुक राजस्थान से है और ये दोनों एक रेप केस में मतलूब हैं। मुलजमीन की शनाख्त राजेश और कुलदीप के तौर पर की गई है। राजस्थान पुलिस को इत्तला दे दी गई है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। RPF टीम मन स्टेशन लो सर्कुलेटिंग एरिया तिरुगुतू उंटे इद्दरु अब्बायिलु राजेश अंड कुलदीप अनुमानास्पदंगा तिरुगुतू उंटे वाळ्ळनि निलबेट्टि విచారించిన మీదట మాకు తెలిసింది ఏమంటే రాజస్థాన్లోని బలుంద అనే ఊర్లో వాళ్ళు ఆ గ్రామంలో ఒక అమ్మాయిని గ్యాంగ్ రేప్ చేసి అక్కడి నుంచి పారిపోయి ఇక్కడికి వచ్చినారని చెప్పి తెలిసింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మాకు రాజస్థాన్కి కాంటాక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు కూడా వీళ్ళిద్దరు కన్ఫర్మ్ చేశారు. 3వ తేదీ అక్కడ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పారు. అక్కడి నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి పోలీసు వచ్చారు, వచ్చి వాళ్ళని ఈరోజు ఇద్దరిని మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. शहर हैदराबाद वेस्ट जोन DCP व जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास की क्यादत में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 450 मकीनों से बासपुर्स की गई और 43 बाइक्स व दीगर गाड़ियों को नामुनासिब दस्तावेजात पर जब्त कर लिया गया। इसके अलावा 3 शराब की दुकानात का अहाता करते हुए तकरीबन 30,000 की गैर मजाज शराब को भी जब्त किया गया। वहीं 20 रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करते हुए उनकी सरगर्मियों की तफसीलात हासिल की गई। इस दौरान DCP AR श्रीनिवास ने दशहरे के लिए लगाए गए पंडाल का भी दौरा करते हुए सिक्योरिटी का जायजा लिया। ऊपर आज पार्टिसिपेट करें 450 घर आज ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में चेक करें, आप पूरों के घरों में जाके सबसे बात करें, उनका आइडेंटिटी वेरीफाई करें। करने के बाद पूरे कॉलोनी में 450 हाउसेस दुर्गानगर कॉलोनी में वेरीफाई करके इसमें कई लोग उसे आइडेंटिफाई करके मालूम करके उनसे फेल्ट नीड्स मतलब उनका क्या ज़रूरत है, क्या मुसीबत है, वो सब मालूम करें। किसी का ड्रेनेज प्रॉब्लम है, किसी का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, और इस तरह के फेल्ट नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद गार्बेज प्रॉब्लम, इस तरह के पूरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जितने भी तालुका से उनसे बात करेंगे, करके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज 20 राउडी भी वेरीफाई करके उनको भी काउंसिल किया गया। 20 राउडीज़ को भी यहाँ पे लेके आए स्कूल जो होल्डिंग सेंटर है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स अभी उनका काउंसिलिंग भी चल रहा है, उनके वेयरअबाउट्स पहले पिछले 6 दिनों से क्या करें वो सब वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा 3 बेल शॉप्स को भी यहाँ पे आज सर्च करके ये चाहिए कॉर्डन एंड सर्च में
आइडेंटिफाई करके वहाँ से भी 30,000 का लीटर इलीगल सेल ऑफ लीटर वो भी आइडेंटिफाई करके उसको भी सीज कर। मल्लिकार्जुगिरी SOT पुलिस ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हदूद में चलाए जा रहे ऑनलाइन बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 बुकीज और एक एजेंट को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 53 लाख रुपए नकद रकम जब्त करने के अलावा एक एक्सिस बैंक अकाउंट में मौजूद 21,82,254 रुपए फ्रीज करा दिए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसील बताई। राचकोंडा पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम विद द हेल्प ऑफ नेरडमठ पुलिस दे हैव बस्टेड ऑनलाइन बेटिंग रैकेट एंड सीज ओवर 74,83,000 कैश अमाउंट एज वेल एज द बैंक फ्रीज अमाउंट फ्रॉम 3 पीपल। द गैंग लीडर इज वन चुन्नम किरण नेटिव ऑफ त्रिमूलगिरी एरिया एंड ही हिमसेल्फ अर्लियर हैज गॉन टू UK एंड श्रीलंका where he learnt about this online betting and he has brought this app from the UK-based organization which is famous for the online betting organization by name Betfair. And this app basically for the sports book, for online casino, online poker, online bingo games. This along with Chunnam Kiran, there is another sub bookie by name Saeed Akil. So Saeed Akil also is native of the Srimulgiri area. Then the third person arrested is Enigo Surendra Reddy, and this Surendra Reddy is from Kushaiguda area of Rajkonda. In fact, he is one of the punter and he himself has lost some 15 lakhs rupees earlier in the game, but just to get money he is again continuing his activities like punting. This gang, they have taken this online betting app in different names, like one of them is Betfair, then Bet365, then... चांदी की अंगूठियों को सोने का पानी चढ़ाकर रहन सेंटरों से कर्ज हासिल करते हुए धोखा देने वाली गैंग के 3 अरकान को SR नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 5 गोल्ड प्लेटेड अंगूठियां और रोलिंग मशीन जब्त कर ली। ये लोग 5 केसों में मतलूब थे। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसील बताई। उसके बाद में अभी इनके ऊपर 2021 में 5 केसेस रजिस्टर हुए, एक SR नगर, मल्लाकुंटा, मियापुर, बेगमपेट और जुबली हिल्स। ये इन 5 पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी इनके ऊपर FIR इशू है। ये आज इनको तीनों लोगों को अरेस्ट करके रिमांड को भेजा। कौन से एरिया में रखते थे सर ये पूरे इकट्ठा है? तीनों मिलके एक काम करे ना, वो एक वर्कशॉप लिए, वर्कशॉप में इनका काम चलता था। वर्कशॉप में ऑर्नामेंट्स बनाने के बाद ये 2 दिन, करीब एक रिंग बनाने के लिए 2 दिन का टाइम लगता बोल रहे हो लोग। एक रिंग बनाने के बाद ये वेंकट रेड्डी पॉन ब्रोकर्स को ले जाके वहाँ पे क्लेच करता था। 2019-2021 के ऑलरेडी रिसीट्स भी जो ये प्लेज करते थे, मॉर्टगेज गिरवी रखते थे, वो पूरे पॉन ब्रोकर्स कने वो उनके रिसीट्स भी उसके पास, एक्यूज्ड के पास रिकवर करें। तो ये फिर SR नगर की केस है सर? नहीं नहीं, एक SR नगर है, एक मियापुर है, एक बेगमपेट में हुआ, एक नल्लाकुंटा में हुआ। पूरे 5 केसेस हुए हाल ही में। नहीं नहीं, कुछ नहीं, इनका यही काम है चीटिंग। एक तो इसमें कारीगर है, एक गोल्डस्मिथ है, वेंकट हरिवर्धन करके। शहर हैदराबाद में बालानगर CCS पुलिस ने 2-व्हीलर गाड़ियों का सरखा करते हुए उन्हें कम कीमत पर फरोख्त कर देने वाली गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 45 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जिनकी मालियत 45 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। DCP पद्मजा ने मुलजमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए केस की तफसील बताई। బైక్స్ కూడా పోవడం జరుగుతుంది. దీని మీద CCS తోటి వర్కౌట్ చేసి CCS ఆఫీసర్ ఒకరు ఇన్ఫార్మర్ ద్వారా మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం, అతని సస్పెక్ట్ని మనము ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తే గడ్డి మైసమ్మ దగ్గర మనకు అతను దొరకడం జరిగింది. సో అతని పేరు చింతల బాలరాజు, సన్ ఆఫ్ గ్రేట్ అర్జున్, ఏజ్ 23 ఇయర్స్, ఆక్యుపేషన్ బైక్ మెకానిక్. తను జిన్నారం మండలి సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటాడు, బట్ హీఈస్ నేటివ్ ఆఫ్
बालपुर मंडल नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार की धूम। गवर्नर तमिलिसाई और एमएलसी के कविता ने तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा बदकम्मा तकरीब में की शिरकत। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में की केसीआर हुकूमत की सताइश। कहा रियासत बंगारू तेलंगाना की सिमत गामजद। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा तामीर का जाहिर किया यकीन। नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाने मुमकिन इकदाम का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। कहा एक मीटिंग तलब करते हुए कट ऑफ डेट दी जाएगी। तेलंगाना असेंबली में सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराने शहर में बिजली की कटौती का मसला उठाया। मसाइल की फौरी यकसुई का हुकूमत से किया मुतालबा। जाफर हुसैन मेराज ने रियासत की सरकारी जबान उर्दू के साथ इंसाफ। उर्दू मुंशी मौलवी और उर्दू मुंशी कामिल कोर्स को एसएससी और इंटरमीडिएट लेवल के बराबर तस्लीम करने का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई गैर मुहैयाना मुद्दत के लिए मुलतवी। मॉनसून सेशन में 7 बिल्स और 1 करारदाद की गई मंजूर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।